क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रहा हूं आपको, देखते हैं कौन बताता है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। माय ब्रदर हैज रिटर्न्ड माय ब्रदर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम ट्रेनिंग 2 मंथ्स बैक टू मंथ्स बैक ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। आई नो हिम अभी शुक्ला ने भी कहा था, आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। नंबर एट इज आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, 6, 7, 8 ही तीन क्वेश्चन करते हैं। चलो अच्छा, सी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स में, नाउ यू हैव टू रिमेंबर, सी प्रेजेंट परफेक्ट में हम सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस तरीके के स्टेटमेंट्स लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लिखते हैं एक्शन जस्ट हैपेंड, जो एक्शन अभी अभी हुए हों, या मैं ये भी कह सकता हूँ, बट आई कैन से दैट अ पास्ट एक्शन विदाउट टाइम, अगर कोई भी पास्ट एक्शन हो जिसमें टाइम मेंशन नहीं हो, एनी पास्ट एक्शन विदाउट टाइम वी राइट इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 10 साल पहले कोई फिल्म देखी, सपोज, एंड आई एम नॉट मेंशनिंग द टाइम, सपोज आई हैव सीन अ फिल्म 2 years back or 10 years back, and I'm not mentioning the time. Suppose if my students will going to ask from me, sir, आपने वो फिल्म देखी? ठीक है, so what I will say, I have seen the film. चाहे वो मैंने 10 साल पहले देखी हो, चाहे 20 साल पहले देखी हो, तो मैं क्या कहूँगा? I have seen the film. किसमें कहा मैंने उसको? Present perfect में. Because it is a past action and I'm not mentioning the time. But when I will mention the time, suppose अगर मैं बोलूँगा, yes, I have seen the film last year. In that case, ये sentence गलत हो जाएगा, it will be incorrect if I'll say like this, that I have seen the film last year. Because when the point of time will be added, we have to write it in simple past. क्योंकि simple past का मतलब है a past action with time. Okay, so मैं क्या कहूँगा? Okay, I saw the film last year. I will not say I have seen the film last year. What I will say, I saw the film last year. In the same way here, my brother has returned. Has returned का मतलब क्या है? आप समझ गए ना, आपने क्या देखा? आपने हैज देखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, आप समझ गए भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आप समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपने देखा फ्रॉम ट्रेनिंग 2 मंथ्स बैक, आपने देखा यार प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इन्होंने क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज अ फॉर्मुला ऑल्सो, डू रिमेंबर दिस फॉर्मुला, वेन एवर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यू विल फाइंड पॉइंट ऑफ टाइम, वेन एवर यू विल फाइंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, कन्वर्टेड इन टू सिंपल पास्ट, converted into simple past. And what is the syntax? This formula is very important. Do remember this formula. And what is the syntax of simple past? Subject plus verb ki second form plus object. So subject and plus time also. Time also comes with simple past. Okay? So my brother has will not come directly second form of verb. So my brother returned from training 2 months back. Has will not come in this case. Okay? पिछले 20 सालों से जानता हूं, ये आएगा या ये आएगा? इज देर एनी एक्शन इन्वॉल्व इन दिस? नहीं, अरे 20 साल से जानता हूं तो कोई एक्शन थोड़ा चल रहा है उसमें। हाँ, अगर मैं कहूं कि If I'll say, अगर सपोज मेरे पास एक माउंटेन बाइक है, आई हैव वन माउंटेन बाइक विथ मी, और वो मेरे पास पिछले 3 सालों से है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास 3 साल से माउंटेन बाइक है, तो उसमें कोई एक्शन हो रहा होगा? कोई एक्शन नहीं है, दैट इज नथिंग बट अ स्टेट। इन द सेम वे आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, मैं उसको पिछले 20 साल से जानता हूँ और अभी भी जानता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट।
सो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में? आई आई हैव, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 20 years. Very simple. Do remember this fact. देखो diagram वाली approach है. This diagram will come into picture. Question number 8. I never met him this morning. अच्छा question number 8 को समझो. Question number 8. It's very easy, but you have to understand this fact that. अच्छा आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा. मैं आपको ऐसे diagram से समझाता हूँ. I'll tell you. From this diagram method. अगर diagram में कुछ past में ऐसा हुआ है, ठीक है, okay, past में दो तीन जगह अगर ऐसा मतलब क्या है? Past में कुछ भी event हुआ हो, किसी point of time में बस, इस तरीके के events को हम लोग लिखते हैं simple past. कुछ भी progressive नहीं है इसमें. For example, मैं कल अपने friend से मिला. तो is there any progressive thing involved in it? तो उसको मैं ऐसे तो point से represent करूँगा. हाँ, मैं उससे आज सुबह मिला, ठीक है. तो पास्ट में अगर कोई ऐसे एक्शंस होंगे तो उसको मैं किसमें लिखूंगा? सिंपल पास्ट. इस तरीके के मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं. पॉइंट से आई एम रिप्रेजेंटिंग समथिंग. अगर मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं पास्ट में, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में लिखते हैं. आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, मैं उसको पास्ट में नहीं मिला. अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट डायग्राम ओनली, ठीक है. तो इसको किसमें लिखूंगा मैं? सिंपल पास्ट में. लेकिन सिंपल पास्ट में आई नेवर मेट हिम, लेकिन सिंपल पास्ट में किस तरीके का स्टेटमेंट कहना चाह रहा है? नेगेटिव स्टेटमेंट कहना चाह रहा है. और एज अ नोट मैं आपको लिखा लूं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ नोट आई वांट टू टेल यू दैट एनी नेगेटिव एक्शन इन सिंपल पास्ट यू हैव टू यूज डिड. दिस वर्ब यू हैव टू यूज डिड विथ नेगेटिव सेंटेंसेस. वी हैव टू यूज डिड विथ नेगेटिव as well as interrogative sentences of simple past. Very important. Interrogative sentences of simple past. Okay, so do remember this fact. You have to use did with negative or interrogative. And you should know this also that did is always followed by first form of verb. Did ke baad hamesha first form of verb aata hai. To yahan par kehna kya cha raha hai? I never met him this morning. मैं उससे सुबह नहीं मिला, ठीक है. So I never met him. तो क्या होगा? I never तो आएगा नहीं, क्योंकि it's a negative statement in simple past. So I did not. अच्छा met भी नहीं आएगा, verb की first form आएगी. Meet आएगा, I did not meet, क्योंकि did के बाद हमेशा verb की first form आती है. I did not meet him this morning. I did not meet. It is a negative sentence in simple past. So negative sentence in simple past we have to use did. Point of time is also given to you. Simple past में देता है. चलो अगला सवाल. Next question. ठीक है, तो इसको please note it down. It's very important. This funda is very important. Okay. So now. Question number 9. Question number 9 is also very important. ठीक है, question number 9 क्या कह रहा है? Question number 9 कह रहा है, बहुत आसान है. She did not write the letter till now. She did not write the letter. She did not write the letter till now. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ही वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स. ये भी अच्छा सवाल है. He was having a number of books. He was having a number of books. She did not write the letter till now. अरे बात अभी तक पहुंच रही है. कहना क्या चाह रहा है वो समझने की कोशिश करो. उसने अभी तक letter नहीं लिखा. उसने अभी तक letter नहीं लिखा. It is not a progressive action. आप सिर्फ बता रहे हो, ठीक है.
कि उसने अभी तक लेटर नहीं लिखा। यू आर जस्ट स्टेटिंग इट बेटा, आप सिर्फ बता रहे हो कि उसने सर उसने अभी तक, कभी पहले उसको दिया होगा टास्क लिखने का, तो उसने तब से लेकर अभी तक लेटर को नहीं लिखा है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सो शी हैज नॉट रिटर्न द लेटर टिल नाउ, अभी तक, बात अभी तक आ रही है। और मैंने बच्चों से कहा था टिल नाउ, सो फार, इससे पहले हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कहना क्या चाह रहा है, He was having a number of books, मतलब उसके पास number of books थी, ये कहना चाह रहा है। अच्छा having याद रखना बेटा, देखो have हम लोग कब use करते हैं, have हम लोग use करते हैं किसी भी चीज के लिए जिसको हम possess करते हैं, ठीक है, we possess, have का मतलब है, for example अगर मैं बोलूँगा I have a mobile phone, तो ये mobile phone मेरा है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला I have a mobile phone, ठीक है, I have a pen, लेकिन इन चीजों के लिए अगर मैं आई एन जी फॉर्म लगाऊंगा तो इट विल बी अ ब्लंडर, इट विल बी अ बिग ब्लंडर। अगर मैं बोलूंगा ना आई एम हैविंग अ, बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट्स दे से आई एम हैविंग अ फोन, अरे इट्स रॉन्ग यार, आई एम हैविंग अ पेन, इट्स रॉन्ग, आई एम हैविंग अ बाइक, आई एम हैविंग अ कार, कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल जो आप पजेस करते हो उसके साथ कभी भी हैविंग नहीं आता, आई एन जी फॉर्म नहीं आता। जो चीज आप खाते हो ना, जो आपके बॉडी के अंदर जाता है, उसको आप हैविंग बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग वाटर राइट नाउ, ठीक है, I am having food, I am having lunch, I am having dinner, this is absolutely right, I am having fever, which is again related, कुछ अंदर चल रहा है, I am having feelings, you can say ना, तो वो सारी body के अंदर वाली चीजें हैं। तो याद रखना किसी भी article के लिए, चीज के लिए मैं ing form नहीं लगाऊंगा, the things which we possess, we don't use ing form, do remember this fact, very important, हम लोग generally बोलते हैं और बहुत गलत बोलते हैं, याद रखना हैविंग नहीं आता आर्टिकल्स के लिए, हैविंग नहीं आता। सो ही वॉज हैविंग तो कभी नहीं आएगा, और वॉज हैविंग क्या बताना चाह रहा है मुझसे कि बात पास्ट में हो रही है, तो यू शुड नो बात पास्ट में हो रही है, यू शुड नो ऑल द फॉर्म्स ऑफ हैव, ठीक है, हैव आपके पास इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट होनी चाहिए जिसमें उसके सारे फॉर्म्स दिए हों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आप देखोगे हैव is the first form of verb, second form had, third form we have, had. So have, had, had. This is first form of verb, this is second, this is third. So directly क्या होगा? Directly second form of verb आएगी यहाँ पर, क्योंकि past में कहना चाह रहा है, ing form तो आएगी नहीं. So he had a number of books. He had, क्योंकि ये past में, ठीक है, ये past में, it is not in present tense, ये past में कहना चाह रहा था, तो मैंने past को मैंने intact रखा. He was having ing form नहीं आएगा, he had. तो याद रखना I'm writing few examples also here, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा I'm having a car, I have a car, ठीक है, I'm having food, I'm having feelings, I'm having fever, I am having a pen. तो याद रखना जो भी articles हैं ये चीज़ें हैं, इस ये गलत statements हैं, I am having feelings, ठीक है, I am having food is absolutely, I have a car is correct, but I am having a car is wrong. Okay? Understood? ऐसा आप ऐसे भी मत बोलना सर, I am having a brother, I am having a sister, it's also wrong. ठीक है, I have a brother, I have a sister, I have a father, I have a mother. चलो, हाँ, I am having breakfast, I am having lunch, I am having dinner, सारे सही है, okay? चलो